अरे कोर्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं जी। फोटो क्या हुआ, आप दोबारा जा रहे हैं जेल मोहदी वाला मामले में, क्या कहना है आपको? बजरंग बली का पाठ कर रहे थे, अनवरत चल रहा था, उसको रोका गया, जिसपे के मैंने केस किया, जो बजरंग बली पेशाब किया उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन बजरंग बली का पाठ करने पर FIR होती है। खैर कोई बात नहीं, अंबा प्रसाद अपना प्रयास आप करते रहिए, सरकार प्रयास करते रहे, SP से आप प्रयास करते रहिए, हम फिर आएंगे और फिर से अनवरत पाठ वहाँ चलेगा। अंबा प्रसाद पे दूसरे बार आरोप लगा रहे हैं कि आपको जेल भेजने में उनका हाथ है। बिल्कुल, मैं सामने बैठा होता, सारे बाहर से टीम बुला के FIR किया जा रहा था, अंबा प्रसाद का सामने फोन आ रहा था, स्पीकर में उसका मैंने आवाज सुना और बोली थी कि केस ऐसा होना चाहिए कि पिछले बार से 18 दिन में बेल ना हो, मैं उसका आवाज सुना। अमन भैया एक बार क्या कहना चाहेंगे बड़का गाँव के वासियों के लिए? बड़का गाँव वासी के लिए पूरे हम हिंदू स्थान में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस धैर्य रखिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए छोटी छोटी सी बेड़ियां हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं रुकेगी। बजरंग बली के साथ शरीर बजरंग बली हमारे साथ में जेल के अंदर जा रहे हैं, हम और हमारे जो प्रभु है दोनों साथ में निकलेंगे और फिर वही होगा जो होता आया है, राष्ट्र हिंदू का किया जाएगा, राष्ट्र हिंदू सबसे बड़ा प्राण। जय 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 हम तुम्हारे साथ हैं। अमन जी मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। अमन जी मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। अमन जी मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम।